अगर आप अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना चाहते हैं, आप टेस्टोस्टेरोन वैसे बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका अगर आप जवानी में हैं, यानी कि आपकी 30 साल से आप कम हैं और आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली नॉर्मली अपने पीक पर चल रहा होता है इस टाइम पर। जवानी आपकी पीक पर है तो टेस्टोस्टेरोन भी आपका पीक पर है। आप टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो आपके टेस्टिस में या अंडकोश में बनता है। अगर कोई आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिकोसील नहीं है या आपके हाइड्रोसील नहीं है, पानी नहीं आया, टेस्टिस में चोट नहीं लगी है, दोनों टेस्टिस हैं, एक ऊपर एक नहीं चला गया है, तो फिर आपको इतना कोई टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये नॉर्मली आपका नॉर्मल रेंज में होता है, यानी कि इसके कम होने का कोई सवाल ही नहीं होता और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन कम कैसे बचाने है, उसके लिए लो टेस्टोस्टेरोन के मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, उससे भी आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या पहचान होती है अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए तो। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप चेक करिएगा। पर अब आता है सवाल कि अगर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट ही करना है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इसके लिए किसी नीम हकीम के चक्कर में कोई लंबा चौड़ा पैकेज ना लेकर आपको खुद कुछ नेचुरल अपने बिहेवियर को, एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए। आप नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर में सबसे पहले आपका आता है एक्सरसाइज। ठीक है, अब एक्सरसाइज में भी अगर आप जिम करते हैं, जिम में भी कंपाउंड एक्सरसाइज, कंपाउंड एक्सरसाइज का मतलब जो एक साथ काफ़ी सारे मसल्स को, जो मेजर मसल्स हैं उनको इन्वॉल्व कर रही होती है, जैसे कि आपकी चेस्ट की एक्सरसाइज हो गई, आपकी बैक की एक्सरसाइज हो गई, आपकी थाइस की एक्सरसाइज हो गई, ठीक है, तो ये शोल्डर की एक्सरसाइज हो गई, तो ये कंपाउंड एक्सरसाइज में आती हैं। तो एक्सरसाइज करने से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, कुछ एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि आपकी एंजाइटी टेंशन ख़त्म करते हैं, आपका वेट नहीं बढ़ेगा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, तो एस्ट्रोजन की मात्रा कम रहेगी शरीर में, एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो फिर टेस्टोस्टेरोन कम होता है। तो एक्सरसाइज से इतने सारे फायदे हो जाते हैं। तो कंपाउंड एक्सरसाइज जिम में आप करते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज तो सीधा पुशअप आप घर पे भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपका उससे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं होगा। दूसरा ये कि इसमें आपको स्लीप बहुत अच्छी रखनी होती है, यानी कि अगर आप कम सोएंगे, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, तो चांसेस ये रहेंगे कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं रहेगा होगा। तो आपको कम से कम 8 घंटे की साउंड स्लीप लेनी होती है रात में। ठीक है, बिल्कुल, और उसमें एक ये नहीं कि आप मोबाइल में लगे हुए पड़े हैं, टीवी देखते देखते सो रहे हैं, नहीं, एक हेल्दी स्लीप आपको लेनी है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। इसी प्रकार से टेस्टोस्टेरोन के बूस्ट होने में आपका लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लीवर आपके टेस्टोस्टेरोन के मेटाबॉलिज्म में, यानी कि उसको बनाने में, उसको ठिकाने लगाने में, उसको एक्टिवेट करने में आपका हेल्प करता है, तो आपका लीवर हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अब लीवर हेल्दी होने के लिए अब आप अल्कोहल ले रहे हैं या ऐसी दवाइयाँ आपकी लंबी चल रही हैं, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, या आपके लीवर के जो एंजाइम्स हैं वो बड़े हुए हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि आपके लीवर, जैसे कि SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, तो इनसे पता लगता है कि आपके लीवर को नुकसान चल रहा है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलके इसका भी ट्रीटमेंट लेना होता है। ठीक है, तो अल्कोहल से, ड्रग्स से, कोई अननेसेसरी पेन किलर्स वगैरह से आपको बचना होता है, तो आपका लीवर हेल्दी रहेगा। इसी प्रकार से अगर आप जंक फूड लेते हैं, आप जंक फूड से क्या नुकसान होगा कि जंक फूड अगर आप लेते हैं तो फ्री रेडिकल्स बॉडी में जनरेट होंगे और आपका वेट बढ़ेगा। अब वेट बढ़ेगा तो फिर आप समझ सकते हैं, वेट बढ़ेगा तो फैट इसका दुश्मन है टेस्टोस्टेरोन का, वेट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन फिर उसको टेस्टोस्टेरोन को कम करेगा, तो आपको इससे भी इसका भी ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपको चिंता बहुत ज़्यादा रहती है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन है या कोई ऐसी बीमारी है दिमागी, तो फिर आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं होगा, तो क्योंकि फिर आपके कुछ केमिकल्स ऐसे निकलते हैं जब डिप्रेशन में होता है या एंजाइटी में, स्ट्रेस में बंदा होता है, तो वो टेस्टोस्टेरोन को कम कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप टेंशन ना लें, स्ट्रेस कम से कम लें, उसके लिए एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, या बहुत ज़्यादा आपसे नहीं हो रहा फिर बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी, आप अपने साइकेट्रिस्ट से मिलकर भी इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसी प्रकार से फैट की भी ज़रूरत होती है टेस्टोस्टेरोन को बनाने में। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप
अनहेल्दी फैट खाएंगे तो फिर आपको वेट बढ़ेगा, फिर से प्रॉब्लम शुरू होगी। तो आपको वो हेल्दी फैट लेना होता है। आप हेल्दी फैट में आप नट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, पीनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बादाम, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। आप अंडे की जर्दी जो होती है, येलो पोर्शन, उसको भी बहुत ज़्यादा ना लेके, अगर डेली आप 30 साल से कम है तो एक आप ले रहे हैं तो उससे भी आपको कोई नुकसान ना होगा, वो भी आपको टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में ही हेल्प करेगी। बाकी कुछ और वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ कि सेक्स पावर कैसे बढ़ाएं, वो भी अल्टीमेटली सेक्स पावर का मतलब होता है टेस्टोस्टेरोन को ही बूस्ट करना। तो उसमें कुछ फूड्स मैंने बताए हैं, वो वीडियो भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आई होप दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको खुद ही बूस्ट कर सकते हैं, अपनी जवानी को और बेहतर बना सकते हैं ये कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करके। तो आई होप दोस्तों कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।